प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। सो भारत के भूगोल में हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। हम लोगों ने ग्रेट हिमालय तथा ट्रांस हिमालय दोनों को पढ़ा था। हिमालय कहाँ पाया जाता है? हिमालय अगर इस मैप को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है 2500 किलोमीटर। उसकी तीन समांतर श्रेणियाँ हैं। क्या तीन समांतर श्रेणियाँ हैं? यानी हिमालय तीन ऐसी श्रेणी में फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब पहली श्रेणी को क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब दूसरी श्रेणी को हम पढ़ते हैं। क्या दूसरी श्रेणी को? दूसरी श्रेणी का क्या नाम है? लघु हिमालय। क्या कहते हैं दूसरी श्रेणी को? लघु हिमालय, हिमालय या इसे हिमांचल भी कहते हैं। क्या हिमांचल? ये दूसरी श्रेणी की बात हो रही है। दूसरी श्रेणी, इसको अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए, इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 80 से 100 किलोमीटर के बीच। क्या इसकी चौड़ाई है? 80 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है कि हम चौड़ी है। लंबाई तो लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई, यहां से यहां तक हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है, तो सभी श्रेणियों की लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 1800 से, क्या चौड़ाई हो गया 1800 से 3000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्या औसत ऊंचाई है? दो पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट क्या है? ये लघु हिमालय, क्या लघु हिमालय क्या शिवालिक के उत्तर है? यानी कि ये श्रेणी जो है इसका नाम क्या है? शिवालिक है। तीसरी श्रेणी का नाम शिवालिक है। ये श्रेणी के क्या है? उत्तर है, शिवालिक के उत्तर। शिवालिक के उत्तर है, ठीक। MBT हम लोगों ने पढ़ा है, MBT क्या MCT, MBT हम लोगों ने पढ़ा है। तो इन दोनों के बीच जो पाया जाता है, क्या जो एक लाइन पाई जाती है जो शिवालिक तथा लघु हिमालय को अलग करती है, उसे क्या बोलते हैं? MBT, MBT बोलते हैं। क्या ये शिवालिक हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, दोनों के बीच एक लाइन पाई जाती है। यानी लाइन आप ऐसा लाइन मानिए जिसके द्वारा शिवालिक और लघु हिमालय क्या अलग अलग होते हैं, तो उसको MBT बोलते हैं। क्या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, क्या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमांत क्षेत्र, मुख्य सीमांत क्षेत्र। तो मुख्य सीमांत क्षेत्र द्वारा क्या शिवालिक और लघु हिमालय क्या होते हैं? अलग होते हैं। क्या शिवालिक और लघु हिमालय अलग होते हैं। अगला पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अधिकांश पूछा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या ये भी पूछा जाएगा? ये तो सामान्य जानकारी है, ये आपको जानना ही चाहिए। क्या मुख्य बातें हैं? पहला धौलाधर, क्या धौलाधर। अब धौलाधर जो श्रेणी है वो इसी में पाई जाती है। क्या धौलाधर श्रेणी है वो इसी में पाई जाती है, ठीक। और धौलागिरी पर्वत वो ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है। क्या धौलागिरी जो पर्वत है वो ग्रेटर हिमालय में पाया जाएगा, और धौलाधर श्रेणी किसमें? लघु हिमालय में पाया जाएगा। दूसरी श्रेणी पीर पंजाल, क्या पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी भी किसमें पाया जाएगा? लघु हिमालय में पाया जाएगा, ठीक है। अगला नागटिब्बा, क्या नागटिब्बा एक श्रेणी है, यह भी पाई जाएगी। क्या नागटिब्बा, ठीक है। अगली श्रेणी है उसका नाम है महाभारत, क्या महाभारत, महाभारत श्रेणी भी क्या पाई जाएगी? इसी हिमालय में पाई जाएगी, यानी कि लघु हिमालय,
महाभारत श्रेणी है ये, समझिएगा, पर्वत श्रेणी आप लिख दीजिए। और मसूरी, मसूरी को तो सभी लोग जानते हैं, मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी ये लव हिमालय में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, कथन, अगर कथन और कारण कहा है धौलाधार ग्रेट हिमालय में पाया जाता है तो कथन गलत होगा। धौलाधार पीर पंजाल नाग टिब्बा महाभारत और मसूर श्रेणी किसमें पाई जाती है? लव हिमालय में। क्या? लव हिमालय में, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन पीर पंजाल के संदर्भ में पूछा जाता है। पीर पंजाल दो नदियों के बीच में है, क्या? दो नदियों के बीच में है, तो वो कौन कौन सी नदी है ये एग्जाम में पूछा गया है, तो झेलम और ब्यास। क्या? झेलम और ब्यास, ये भी याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है इसके बारे में वो देखते हैं। यहां पर आपको विभिन्न, क्या, विभिन्न दर्रे भी मिलेंगे। क्या? यहां पर आपको विभिन्न दर्रे भी मिलेंगे। अब दर्रों की बात हम लोगों ने एक अलग वीडियो में किया है, क्या, दर्रों की बात हमने एक अलग वीडियो में किया है, फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है। क्या? इसमें कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? पहला बनिहाल दर्रा। क्या? बनिहाल, बनिहाल दर्रा इसी में पाया जाएगा। दूसरा बुर्जिल दर्रा। क्या? बुर्जिल दर्रा, दोनों दर्रे कहाँ पाए जाएंगे? बनिहाल और बुर्जिल दोनों जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे। क्या? दोनों जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे, ठीक है। जेके जम्मू कश्मीर। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, जो लव हिमालय है। क्या? तो लव हिमालय है, इसके ढालों पर घास पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। जो लव हिमालय है, लव हिमालय के ढालों पर क्या, घास के मैदान पाए जाते हैं, या कह सकते हैं चारागाह मैदान पाए जाते हैं। वहां पर लोग क्या, पशुओं को चराने लेकर जाते हैं। क्या? पशुओं को चराने लेकर जाते हैं, तो उस मैदान का नाम क्या है ये एग्जाम में पूछा जाता है। कश्मीर में इस मैदान को, क्या, कश्मीर में इस मैदान को क्या बोलते हैं, मैदान को मर्ग बोलते हैं। क्या? मर्ग, मर्ग क्या है, घास का मैदान। कहां पर पाया जाता है? लव हिमालय के ढालों पर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, क्या, सोनमर्ग, गुलमर्ग, इसी घास के मैदान में बसे क्षेत्र हैं, इसलिए इनका नाम ये पड़ा है, ठीक है। अब अगला, ये तो किसकी बात हो गई, कश्मीर की बात हो गई। तो कश्मीर में ही तो केवल लव हिमालय ही है नहीं, और क्षेत्रों में है, उत्तराखंड में। अब ये उत्तराखंड में इस मैदान को क्या कहते हैं? क्या? उत्तराखंड में इस मैदान को कहते हैं बुग्याल या प्यार। क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार, याद रखिएगा, बुग्याल या प्यार। इतना आपको लव हिमालय के बारे में जानना है। क्या? इतना आपको लव हिमालय के बारे में जानना है। लव हिमालय में कुछ पर्यटन क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने क्या मसूरी की बात की, मसूरी पर्यटन क्षेत्र ही है। शिमला, शिमला भी इसी में पाया जाता है। क्या? शिमला भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। रानीखेत, रानीखेत का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या? रानीखेत। और नैनीताल, नैनीताल भी इसी में है, ठीक है। तो आप लोगों को लव हिमालय के बारे में इतना जानना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी श्रेणी, यानी कि तीसरी। पहला हमने ग्रेट हिमालय देखा, दूसरा हमने लव हिमालय देखा, अब तीसरा जो है वो क्या है,
शिवालिक, क्या तीसरा जो है वो शिवालिक है। ये दूसरा था, पहला हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, पहला ग्रेट हिमालय था, ग्रेट हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। इसके बारे में भी देखते हैं। अब तीन श्रेणी है हिमालय में, तो 1, 2, 3 यानी कि सबसे बाहरी श्रेणी। तो पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट ये बना सकते हैं कि ये सबसे बाहरी श्रेणी है। क्या सबसे बाहरी से श्रेणी किसकी? हिमालय की। इसे दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। क्या दक्षिणी हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहते हैं? क्या दक्षिणी हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं? इसकी औसत ऊंचाई अगर देखेंगे तो सबसे कम है 900 से 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। क्या 900 से 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। अब शिवालिक में दो घाटी पाई जाती है। क्या घाटी पाई जाती है? स्पेशली तो घाट जो शिवालिक में जो घाटी पाई जाती है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या शिवालिक में पाई जाने वाली घाटी को, जैसे ये हो गया शिवालिक, ठीक है, इसको हमने, ये आपकी श्रेणी हो गई। अब इसमें जो घाटी पाई जाती है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, पश्चिम और पूरब। क्या पश्चिम और पूरब? क्योंकि पश्चिम की घाटियां एक समान एक जैसी हैं, पूरब की घाटियां एक जैसी हैं, इसलिए इनको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका नाम क्या है, क्या नाम क्या है, तो देख लेते हैं। पश्चिम में जो घाटियां पाई जाती हैं उनको बोलते हैं पश्चिम की घाटी, दून बोलते हैं। क्या पश्चिम की जो घाटियां हैं उनको दून बोलते हैं। अब दून का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, जैसे देहरादून। क्या देहरादून, बहुत सारे दून हैं इसी के कारण। और पूरब में, पूरब में जो घाटियां पाई जाती हैं उनको द्वार बोलते हैं। क्या द्वार? तो इन दो टर्म को आपको याद रखना है, दून और द्वार, ठीक है। और क्या एक पॉइंट और इसी से संबंधित नहीं है लेकिन दिमाग में आया है तो आप लोग लिख लीजिए। एग्जाम में पूछा गया था एक बार करेवा क्या होता है। क्या करेवा? करेवा, तो करेवा क्या है? जैसे हिमालय पर्वत में बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, झील पाई जाती हैं। अगर पूरे पृथ्वी पर देखेंगे तो हिमानी झील सबसे अधिक है। क्या हिमानी झील सबसे अधिक है? तो हिमालय पर्वत, हिम आलय यानी हिम का घर, तो हिम तो यहाँ पर बहुत है, तो यानी कि झील भी यहाँ पर बहुत है। तो झील में जो निक्षेप होता है, यानी कि कोई झील है और उसमें ये झील है और इसमें अवसाद क्या आ गया, अवसाद बैठ गया, तो जो अवसाद बैठता है उसी को क्या बोलते हैं, निक्षेप। क्या निक्षेप बोलते हैं। और इसी झील में जो पाया जाता है निक्षेप उसे क्या बोलते हैं, झील वाले निक्षेप को क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। क्या झील वाले निक्षेप को करेवा बोलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, दून और द्वार हमने देखा। अब ये जो शिवालिक है ये भी कहाँ से, यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, तो ये भी लगभग 2400-2500 किलोमीटर फैला है। लेकिन ये जो शिवालिक है ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर क्या इनका नाम बदल जाता है। बदल जाता है मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ लोग इसका नाम, जैसे मेरा नाम, मैं अगर किसी दूसरे शहर में हूँ तो वहाँ नाम मेरा मोहम्मद शाहनवाज खान है, तीसरे शहर में गया तो दीपक राठौर हो गया, चौथे में गया तो बटिस्टा हो गया, ऐसे मतलब कि मैं ही हूँ लेकिन मेरा नाम अलग अलग हो गया। तो इसी तरह शिवालिक का भी नाम क्या परिवर्तन, स्थान के संदर्भ में लोग उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अब किस नामों से पुकारते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू पहाड़ी ही कहते हैं। क्या जम्मू पहाड़ी ही कहते हैं जम्मू कश्मीर, तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। दूसरा यूटी, यूटी में दुधवा श्रेणी बोलते हैं। क्या
दुध वा, कहीं कहीं पर आपको दुधवा भी मिलेगा, क्या दुधवा श्रेणी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा दुधवा श्रेणी या दुधवा श्रेणी क्या किसका भाग है, ग्रेटर हिमालय का, लघु हिमालय का या शिवालिक हिमालय का, तो आपको बताना होगा शिवालिक हिमालय का, ठीक है, क्या बताना होगा शिवालिक हिमालय का। जम्मू श्रेणी पहाड़ी भी पूछा जाएगा। अगला नेपाल, क्या नेपाल, नेपाल में इसे चुरिया मुरिया श्रेणी बोला जाता है, क्या चुरिया मुरिया श्रेणी, क्या चुरिया मुरिया श्रेणी बोला जाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि चुरिया मुरिया जो श्रेणी है वो कहाँ पाया जाता है, ये तो नेपाल, अब बताएंगे किसका भाग है या आप क्या बताएंगे शिवालिक का, क्या शिवालिक का। अब हम चलते हैं कहाँ पर, अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं उनका नाम हम लोग लिखते हैं। एपी यहाँ पर लिखते हैं, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। दफला, क्या दफला पहला श्रेणी, क्या पहला श्रेणी क्या है दफला है। दूसरा मिरी, क्या मिरी। अगला अबोर, क्या अबोर। और अगला मिशमी, क्या मिशमी, ठीक। अब इसको हम मैप पर देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया है। अब ये अपना सिक्किम हो गया और ये भूटान हो गया और ये अरुणाचल हो गया, क्या ये अरुणाचल हो गया। अब ये अरुणाचल में ये जो श्रेणी है इनका पूछा जाता है क्रम पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने पश्चिम से पूरब की तरफ लिखा है। अब इसको आप यहाँ, ये यहाँ पर क्या है दी है, क्या डफला है। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है यम है, मिरी है, तो डीएम हो गए। चलो अब यहाँ पर आप जाएंगे तो अबोर है, क्या अबोर है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो मिशी है, तो आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। डीएम ईएम में उड़ते हैं, डीएम एएम में जल्दी उठते हैं, आपको याद हो जाएगा डीएम ईएम, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो शिवालिक है, शिवालिक का एक नाम और है हिमाचल प्रदेश में, इसको क्या हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, एचपी। अरुणाचल प्रदेश में देख लिया, नेपाल में देख लिया, उत्तराखंड में देख लिया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में क्या बोलते हैं, हिमाचल में इसे सोलह सिंघी बोलते हैं, क्या सोलह सिंघी। हिमाचल में इसे सोलह सिंघी, सोलह सिंघी बोलते हैं, ठीक। इतना आपको जानना है शिवालिक श्रेणी के बारे में और ये सभी लगभग क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रश्न में, ठीक है। सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, दो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये कौन सा, ये तीन श्रेणी थी, क्या ये तीन श्रेणी। अब इन तीन श्रेणी में एक अस्पष्ट विभाजन है कि किस रेखा के सहारे, हम लोगों ने देखा आईएसटी, एमबीटी, एमसीटी और एचएफएफ सहारे तीनों। अब इसको अध्ययन के दृष्टि से ये जो अध्ययन के दृष्टि दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो क्या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, तो यानी लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई के आधार पर, ऐसे जो हम लोगों ने देखा उसके आधार पर, ये नेचर, ये जो तीन श्रेणियां हैं नेचर के आधार पर हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल। इसके साथ साथ इस श्रेणियों को विभिन्न नदियां काटती हैं, क्या विभिन्न नदियां काटती हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे। तो एक हमने ऐसा अध्ययन देख लिया लंबाई के रूप में, अब एक ऐसा देखेंगे हम, क्या इसको बोलते हैं वर्टिकल, क्या
वर्टिकल, ठीक है। तो अब हम लोग जो हिमालय का अध्ययन करेंगे वो वर्टिकल दृष्टिकोण से करेंगे, क्योंकि उससे भी कुछ संबंधित क्वेश्चन आता है। ये केवल जो नदियां हैं और इस क्षेत्र का कौन सा हिमालय है, ये क्षेत्र कौन सा हिमालय, बस इतना ही हम लोगों को उसके बारे में जानना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन।